press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से आरजू काजमी जी को, फकर यूसुफ जई को, और भारत की तरफ से होंगी भारत की बेटी और कश्मीरी शेरनी याना मीर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यकीन करें कि मैं ट्विटर पे समझ लें कि 24/7 रहता हूं, बट मैं कभी ये नहीं करता। मैं हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं हूं लोगों के कमेंट्स, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं जाके वहां पर किसी को जवाब देना शुरू कर दूं। मुझे क्या जरूरत है जवाब देने की? उनको अगर वो लगता है, वो अपना उनका एक माइंडसेट है, अगर वो अपने आप को इतना हाईली एजुकेटेड और इतना हाईली सिविलाइज कहते हैं और उसके बाद ये चीजें कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं यार उनको 122 तोपों की मैं सलामी देता हूं, उनके एजुकेशन को, उनके सिविलाइजेशन को और उनके उन सारी चीजों को, कि उसके बाद भी उनका ये काम है कि वो ये करते रहे कि यार मतलब किसी की लेग पुलिंग करते रहे कि यार मैंने इसको गिराना है। क्यों गिराना है ये भी नहीं पता कि गिराना क्यों है मैंने। मैं कहूं कि यार याना को मैंने गिराना है, बट ये मुझे नहीं पता कि याना को क्यों गिरा। याना को अगर लोग पसंद करते हैं, आरजू को अगर लोग पसंद करते, या किसी और एक्स वाई जेड को अगर लोग पसंद करते, मैं कहूं यार मुझे इससे जालसी है। मैंने याना को आगे नहीं बढ़ने देना, मैंने आरजू को आगे नहीं बढ़ने देना। बेशक मैं कहीं कड्ढे में पड़ा हुआ हूं, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं कहता हूं मैंने ये करना। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इस मॉडर्न एरा में, और मैं कहता हूं एजुकेशन के इस दौर में, कि मोस्टली लोग हाईली एजुकेटेड है वो लोग ये कर रहे हैं। अगर एक मतलब इलिटरेट आदमी, कोई मतलब मेल या फीमेल में किसी की वो नहीं करता, अगर वो ये करे तो आपको समझ में आती है, हम कहते हैं जाहिल है, हम कहते हैं ये जाहिल है। तो अगर ये लोग ये करते और फिर अपने आप को कहते हैं जी मैं तो फ्लाइंग यूनिवर्सिटी से, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ी या पढ़ा हुआ हूँ, और मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ। मैं कहता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम सॉरी मैं खत्म कर रहा हूँ आरजू। हमारे इलाके में एक लाल बीबी थ्रोर, हम उसको कहते हैं थ्रोर, बेसिकली पुप्पी भी कह सकते हैं आप, खाला भी कह सकते हैं पश्तो में, वो खेतों पे काम करते, हमने बचपन से उनको देखा आज तक। लेकिन आप उनके साथ मिले और उनसे बात करें तो आपको मजा आ जाएगा कि यार इस बंदी जिसने कभी स्कूल जिंदगी में नहीं देखा, शायद स्कूल के करीब से वो हमारे गुजरती रहती है, जिस वक्त हम वहां पे पढ़ते थे उस वक्त भी और अब भी, आज भी, लेकिन उसकी आप बातें सुनेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार इतनी सिविलाइज औरत हो सकती है कि जिसने कभी स्कूल, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन सिविलाइजेशन में उस बंदी की मानता हूं। मैं कहता हूँ वो बहुत हाई, मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है। वैसे ही मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत बिलीवर हूँ, बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, लेकिन मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज की कि यार वो बात इतनी जबरदस्त करती है, वो किसी से जेलस नहीं होती, आपको अप्रिशिएट करती है आपके काम को। हालांकि उसको ये नहीं पता कि आरजू बड़ी जर्नलिस्ट है या ना, जो है उसने पार्लियामेंट में स्पीच किया या वो टीवी पे शो करती है, उनको इस चीजों से कोई कंसर्न नहीं है, ना वो ये चीजें देखती है। मेरे ख्याल में हमें ये चीज थोड़ी सी सोचनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर याना ये भी तो हो सकता है ना कि वैसे अक्सर लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे लगे हैं या जिन्होंने बातें की हैं, उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हम सालों से जानते हैं, हमने उनके साथ शोज किए हैं। तो अगर उन्हें कोई हमारे हमारा कोई काम अच्छा लग रहा है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हम उनसे बेटर कर रहे हैं, हो सकता है हमसे भी बेटर बहुत से लोग करते हैं, तो हम उनसे सीख कर क्यों नहीं आगे बढ़ते, बजाय दूसरे को गिराना क्यों जरूरी हो गया है। प्रॉब्लम हर, देखिए ये एक नेकी है जो हर किसी में नहीं होती। अब मैं अपनी या तुम्हारी बढ़ाई नहीं करूंगी आरजू, बट इट्स अ फैक्ट कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब जर्नलिस्ट बन गई हूँ और एक चैनल में सीनियर एंकर हूँ, लेकिन आई थिंक मैं एक लौती सीनियर एंकर हूँ जिसने एक दूसरे सीनियर एंकर को बधाई दी क्योंकि उसने एक बड़े चैनल को ज्वाइन किया। प्रदीप भंडारी जी हैं, इंडिया न्यूज में मेरे सीनियर हैं और आई लुक अप टू हिम, आई लव हिज स्टाइल, द वे ही डज। और देखो मैं ओपनली बोलती हूँ कि प्रदीप भंडारी इज एन अमेजिंग एंकर, अमेजिंग एंकर। अगर आप उनके एग्जिट पोल्स की वीडियोस देखेंगे, यू नो इलेक्शन के दौरान जिस तरह से वो बहुत मजेदार होती है उनकी वीडियोस, एंड ही इज हैज ज्वाइंड अ न्यू चैनल एंड वहां पर वो अच्छे शोज कर रहे हैं, एंड मैंने उनको जमकर बधाई दी। प्लीज आस्क हिम इफ देयर इज एनी अदर जर्नलिस्ट हु हैज इन फ्रॉम द सेम फील्ड हु हैज जिन्होंने उनको बधाई दी। तो मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही आरजू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई बिलीव इन दिस पॉजिटिविटी, जो जिसके बारे में फकर साहब कह रहे थे, आई बिलीव इन दिस, एंड आई फील कि अपने ही फील्ड में एक दूसरे को प्रेज करना, इससे जो है हर किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब आप किसी को प्रेज करते हो ना, उसकी तारीफ करते हो, और अच्छा करने की कोशिश करता है अपनी फील्ड में। बिल्कुल
कहीं ना कहीं उसके अच्छा करने में आपका भी पुश रहा है, तो वो चीज से खुशी होनी चाहिए। बट इट्स अनफॉर्चुनेट आरजू की, हालांकि जैसे मैंने आपको कहा मेरे लिए इट वॉज एन इंटरक्टिव टूल, लेकिन कई लोगों ने ट्विटर को एक बिजनेस बना लिया है, यूट्यूब को बिजनेस बना लिया है, तो उस वजह से आप देखो इनको अनफॉर्चुनेटली तकलीफ होती है दूसरे यूट्यूबर्स से या दूसरे जो ट्विटर पे एक्टिव हैं ट्विटर मेंबर्स से, इनको तकलीफ होती है। और अगर नैरेटिव सेम है, अगर कन्विक्शन सेम है, फॉर एग्जांपल मैं भी वही चीज बोल रही हूँ, तुम भी वही चीज बोल रहे हो, वो लोग भी वही चीज बोल रहे हैं, तो वो लोग यही चाहते हैं कि सारे जो है वो उनको सुने, इन दोनों को क्यों सुने। ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि सारे एकजुट होकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, बल्कि एक दूसरे को नीचा ताने देकर ये करके किसी की क्रेडिबिलिटी खराब करके ऐसी चीजें करके उनको नीचे खींचना चाहते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील इफ यू आर अ नेशन बिल्डर यू मस्ट एनकरेज एवरी वन हु इज डूइंग इन सम वे और द अदर, चाहे वो नेशन के लिए नहीं अपने फील्ड में ही अच्छा क्यों नहीं कर रहा हो या कर रही हो, आपको उसको प्रेस करना ही करना है, क्योंकि इससे आपकी नेशन मजबूत होती है, आपकी कंट्री मजबूत होती है और एक जो यूनिटी रहती है, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। हम तो खैर उसपे भी बिलीव रखती हूँ मैं तो, कि अगर मैंने कुछ गलत किया है या मेरी किसी चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे लोग बता सकते हैं, मुझे मेरे दोस्त भी बता सकते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो अब इस एक अजीब से ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं और ट्रोलिंग करते रहते हैं या कुछ गलत सलत लिखते रहते हैं। ये वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी जमाने में हर वक्त मदद किया करते थे कि तुम ये क्वेश्चन कर लो और तुम ये गेस्ट कर लो और ये कर लो, और अब उन्हें पता नहीं क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि एक दूसरे की मदद करने के बजाय हम एक दूसरे को गिराने में क्यों लगे हैं। लेकिन याना आप इसराइल भी गई थी, वहां एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसराइल में इट वाज वेरी हर्टफुल, जैसे लोगों की आंखों में जो गम है, जो खौफ था, मतलब एक वो, मतलब वो इतने हारे हुए फील कर रहे थे ना अंदर से, उनको लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट जो उनका मोसाड है फॉर एग्जांपल, उनकी जो इंटेल सर्विसेज हैं वो सबसे बेस्ट मानी जाती है दुनिया में, तो कैसे उनको पता नहीं चला कि इस तरह का हमला होने वाला है देश में, कैसे उनको पता नहीं चला और कैसे ये होने दिया हमारे साथ, क्यों अभी तक हमारे होस्टेजेस वापस नहीं आए हैं। आप यकीन नहीं करोगे आरजू, हर एक एक भी बंदे को कोई भूला नहीं, कोई अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं गया। आई थिंक जब मैं गई थी तो 100 डेज के ऊपर हो ही गए थे ये हादसा होकर, अक्टूबर 7 का हादसा होकर 100 डेज तो हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे वापस नहीं जा सका। हर एक चौक चौबारे पे, हर जगह उनकी फोटोज लगी थी, हर एक ब्रिज पे, हर एक रोड पे, हर एक बिल्डिंग पे हॉस्टेजेस की फोटोज लगी थी, उनके लिए प्रेयर्स लिखे थे, आने जाने आते जाते लोगों को फ्लायर्स बांटे जा रहे थे कि इनके लिए प्रे करो। और वो जो हॉस्टेजेस हैं आरजू, उनमें छोटे बच्चे भी थे, बहुत छोटे छोटे बेबीज भी थे, तो आप सोच सकते हो कि कितनी वहां की आवाम कितनी टूटी हुई और हारी हुई है इस चीज को देखकर। मैं ये भी मानती हूँ कि गाजा में भी बहुत इस वक्त जो 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 हो रहा है, मतलब वहां तो इससे भी बुरी हालत है, क्योंकि वहां तो पूरा ही एरियल स्ट्राइक्स बॉम्बार्डमेंट की वजह से पूरा ही सब कुछ खत्म हो गया, वहां के बच्चे मर रहे हैं, वहां तक एड नहीं जाने दी जा रही थी। बट हर एक चीज इसलिए हो रही है क्योंकि इसराइल पहले अपने लोगों की सिक्योरिटी देखेगा, फिर दूसरे कंट्री की। तो मुझे लगता है कि हमास जो है उसको पहले फलस्तीनियों की सिक्योरिटी का सोचना चाहिए था, कि उनके मुस्तकबिल का सोचना चाहिए था कि वो कैसे रहेंगे अगर अगर इसराइल ने हमला कर दिया तो उनका क्या होगा। हमास को ये सोचना चाहिए था इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि इतने मॉडर्न, इतने डेवलप्ड, इतने अच्छी जो जो कंट्री है इसराइल, जब उसकी ये हालत है तो वहां गाजा में क्या हो रहा होगा। और मैं गाजा के बॉर्डर से मतलब हार्डली 5-7 किलोमीटर होंगी, लेकिन वहां जाने भी नहीं दिया जा रहा था, तो आप समझ सकते हो वहां कैसे हालात होंगे। ना इलेक्ट्रिसिटी है उन लोगों को, ना पानी है, ना खाना है। जब ये अटैक हुआ था उस वक्त सर्दी थी और ऊपर से फ्लड्स भी आए वहां पे, बहुत हैवी बारिश भी हुई, ऐसे में वो कैसे बेचारे सर्वाइव कर रहे होंगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो टेररिस्ट नहीं है, जो आम आवाम है फलस्तीन की, उनका वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। लेकिन मुझे गर्व है अपने देश पे कि मेरे भारत ने कभी, मेरा भारत कभी एक तरफा रहा ही नहीं। और आरजू ये चीज है जो
सोशल मीडिया पे जिसका आपने जिक्र किया, जो हमारा टॉपिक है, उस पे भी लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम भारतीय हम वन साइडेड नहीं हो सकते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे इन तीनों ने बात की ट्रोल्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आरजू काजमी ने बताया, जो पहले इनके दोस्त हुआ करते थे, खासकर ये बात कर रहे थी भारत के कुछ यूट्यूबर्स और भारत के कुछ पत्रकारों के बारे में, जो पहले इनके दोस्त हुआ करते थे, आज वही इनका मजाक उड़ाते हैं। और याना मीर ने भी अपनी आपबीती बताई। और अगर हम याना मीर की बात करें, तो याना मीर भी पिछले महीने ब्रिटिश पार्लियामेंट गई थी, वहां पे उन्होंने भारत की तारीफ की थी और पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया था। पर जब वो भारत वापिस आई, तो कुछ भारतीयों ने याना मीर को ट्रोल किया था, तो याना मीर उससे काफी ज्यादा हर्ट भी हुई थी। तो इन तीनों ने बात की ट्रोल्स के बारे में, कि कैसे इन तीनों का मजाक उड़ाया जाता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।